Yes. Good morning, everyone. To my all lovely students. Now again, I am here for you. गोकुलदास स्वामी स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है. मैं शालिनी खेड़े हिंदी विषय के साथ आपके सामने हूँ. फिर से हम अपना पार्ट दो 100 के 60 शुरू कर रहे हैं. पेज नंबर 13 आप अपनी पुस्तक में खोलेंगे. और जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर मेरा अटेंड किया है वे जानते हैं कि हमारा पार्ट शुरू हो चुका था, जो कि एक बहुत प्यारी सी कहानी है ना. लास्ट टाइम मैंने पूछा था और आप सब ने कहा भी था कि कहानियाँ सबको पसंद होती हैं, और इतनी इंटरेस्टिंग कहानी जिसमें से हमें कुछ सीखने को मिलता है तो उसको पढ़ना तो बनता है हमारे लिए, है ना. और हमने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी कि अगर आपकी वाणी मीठी है और आपकी बुद्धि तेज है तो आप अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी कठिनाई को हल कर सकते हैं और उससे बाहर आ सकते हैं. ठीक है, नॉर्मल सी बात है, हम सुबह से शाम तक बहुत से काम करते हैं. कहीं कहीं पर हमें कम बुद्धि का यूज़ करना पड़ता है, कहीं पर हमें अपनी ज़्यादा बुद्धि लगानी पड़ती है ना. फिर आप कहेंगे मैम कुछ काम तो ऐसे होते हैं जिसमें बुद्धि लगानी नहीं पड़ती, वो नॉर्मली हो जाते हैं. बट वो तब होते हैं जब वो हमारे लिए प्रतिदिन के कार्य होते हैं, जैसे रोज सुबह उठकर नहाना, ब्रश करना, या आपके डेली के वर्क है. इसमें आपको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं होती है. लेकिन हाँ, अगर आपको कहा जाए कि बेटा आज टंकी से नीचे नल तक आने वाला पाइप टूट गया है, पानी नहीं आ रहा है, तब आप क्या करोगे? आपको जल्दी नहाना भी है, तब आप अपनी बुद्धि यूज करेंगे कि ऐसा क्या करूं कि मुझे पानी भी आसानी से मिल जाए और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े. सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, मम्मी प्लीज़ बाथरूम में पानी की बाल्टी भर के रख दो, सबसे ईजी उपाय है ना. नहीं, ये बुद्धि का प्रयोग नहीं है, इसे कहते हैं सुस्ती, इसे कहते हैं आलस. हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि वहाँ से लेकर एक पाइप जाइए और नीचे तक डाल दीजिए, बाद में आप उसको वहाँ से हटा सकते हैं. जब तक आपका मेन पाइप ठीक नहीं होता है तब तक के लिए आप सभी की सुविधा के लिए और अपनी सुविधा के लिए जो कार्य करते हैं और उसके लिए जो आप आइडिया लगाते हैं उसे कहते हैं बुद्धि, है ना. तो अलग अलग समय पर हमारी बुद्धि की परख होती रहती है. आप कॉम्पिटिशन्स में जब भाग लेते हैं तो 10 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट आता है उसके फर्स्ट आने का रीज़न क्या होता है? सब लोगों ने मेहनत की है, सब लोगों ने प्रिपरेशन भी अच्छी की है, लेकिन फर्स्ट वही आता है जिसने साथ में अपने दिमाग का प्रयोग भी किया होता है. 10 बच्चे कविता पढ़ रहे हैं, 10 को कविता वाचन करने को दिया गया है, तो फिर एक ही बच्चा फर्स्ट पे क्यों आया? क्योंकि कविता वाचन असर कैसे करेगी ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए उसने कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है. वो सिर्फ कविता पढ़ता नहीं है, वो उसको पूरा का पूरा सामने वाले के दिमाग में उतार देता है. अब उसके लिए उसने क्या उपाय किया है, उसने अपने एक्सप्रेशंस चेंज किए हैं, या उसने अपने वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दिया है, या उसने बहुत उनको सुर तय गाया है, ये उस पर डिपेंड करता है. तो ये सारा सरल से सरल कार्य करने का तरीका ही बुद्धि कहलाता है. पिछले कई कक्षाओं में आप लोगों ने अकबर बीरबल की बहुत सी कहानियाँ पढ़ी हैं, जहाँ पर अकबर बादशाह है, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन जब भी उनके राज्य में या उनके दरबार में कोई परेशानी आती वो फटाक से बीरबल को बुलाते थे. क्यों? बीरबल के पास में कोई खजाना था क्या? हाँ, उसके पास एक खजाना था और वो था बुद्धि का. उसके पास धन नहीं था, गरीब था वो, लेकिन वो हर कार्य को, हर परेशानी को अपना समझ के सॉल्व करने की कोशिश करता था, और उसके लिए वो अपनी बुद्धि का प्रयोग, यानी बुद्धि सभी के पास होती है लेकिन आप उसका प्रयोग करते हैं या नहीं ये आप पे डिपेंड करता है. तो वो हर बार अपने तरीकों से, अपने उपाय से, अपने नए नए आइडिया से जो राजा थे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, और इसीलिए वो अपने बादशाह का सबसे प्रिय मंत्री था, है ना. तो यहाँ पर हमने एक गेंदालाल की स्टोरी शुरू की थी. पेज नंबर 13 हमने पूरा रीड कर लिया था और उसमें हमने देखा था कि गेंदालाल जो था वो साहूकार से 100 रुपये उधार लेता है, और जब भी साहूकार उसे पैसे मांगने आता था, तकाजा है ना, तकाजा करता था, तो वो क्या करता था कि इधर उधर पलट जाता था. क्यों? क्योंकि गेंदालाल की नीयत में खोट था. खोट मतलब उसके मन के सारे विचार बदल चुके थे, उसने पैसे तो ले लिए थे लेकिन पैसे वापस लौटाने का विचार उसके मन में था ही नहीं. उसको कहते हैं नीयत में खोट होना.
यानी एक दो बार जब उसने पैसे लिए तब उसके मन में एक विचार था कि नहीं मुझे लौटाना है, लेकिन जैसे जैसे दिन बदलते गए, जैसे आगे बढ़ते गए, उसके मन में खोट आने लग गई। उसने सोचा कि अभी तक नहीं दिए तो साहूकार ने क्या बिगाड़ लिया मेरा, तो अगर आगे भी मैं नहीं दूंगा तो वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो इस तरह क्या हुआ कि वो सपने में भी साहूकार के पैसे वापस लौटाने की बात सोचता ही नहीं था, और जब भी बेचारा साहूकार उसके घर पैसे लेने आता था तो वो उनको उल्टा सीधा जवाब देकर टाल देता था। एक दिन साहूकार बहुत परेशान हो गया। फिर वो जब उसके घर आया गेंदालाल के, तो उस समय गेंदालाल तो घर पे नहीं था, उसका बेटा वहाँ पर था। उसने पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं, तो वो बेटा अपने पिताजी से भी ज़्यादा चालाक निकला। उसने क्या कहा कि पिताजी तो घर से बाहर गए हुए हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, सेठ जी ने पूछा साहूकार ने कि कहाँ गए हुए हैं, तो पता है उसके पुत्र ने क्या जवाब दिया, सुनिए है ना। गांव की सरहद पर जामुन का पेड़ है, वे वहीं से जामुन की गुठलियां लेने गए हैं। साहूकार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहां तो ये मेरे पैसे नहीं दे रहा और उसको जामुन खाना है और जामुन की गुठलियां लेने गया है। तो उन्होंने बड़ा हैरानी से पूछा, हैरान तो होना पड़ेगा, मान लीजिए अगर मैंने आपसे पैसे उधार लिए हैं, आप मेरे घर पैसे लेने आओगे और अगर मेरे घर का व्यक्ति बोल दे कि मैं घर पे नहीं हूँ और मैं तो आराम से कहीं पर फ्रूट्स खाने गया हूँ, तो आपको हैरानी होगी ना कि मैं यहाँ पैसों के लिए परेशान हो रहा हूँ और ये व्यक्ति आराम से घूम फिर रहा है। तो उन्होंने फिर से पूछा कि गुठलियों का क्या करेंगे, उसका तो कोई यूज होता ही नहीं है। तो बेटे ने देखो एक लंबा सा बहाना बनाया, पिताजी कह रहे थे कि अपने खेत में जामुन की गुठलियां बोएंगे, उससे पेड़ उगाएंगे, फिर वो पेड़ बड़े होंगे, उन पर जामुन लगेंगे, तब पिताजी पेड़ के जामुन बाजार में ले जाकर बेचेंगे, है ना, और जामुन बेचकर जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से वो आपका कर्ज चुकाएंगे। वो जो 100 रुपए आपसे उधार लिए ना, उनको चुकाने के लिए पिताजी इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसके लिए वो गए, ऐसा नहीं कि हमारे खाने के लिए गए हैं, नहीं, वो जो आपका कर्ज चुकाना है ना 100 रुपए का, उन 100 रुपए को चुकाने के लिए उन्होंने एक अच्छा सा प्लान बनाया है कि काम तो कुछ मिल नहीं रहा है तो क्यों ना इस तरह से मैं पेड़ लगाऊं और फ्रूट्स को बेचकर क्या करूं आपके पैसे चुका दूं। यानी कि कहीं ना कहीं मेरे पिताजी जो है वो आपके लिए काम कर रहे हैं, वो ये जताना चाहता था। पेज नंबर 14 पर आ जाइए, जहां पर हमने पिछली बार अपने पाठ को अधूरा छोड़ा था। साहूकार समझ गया कि इस गेंदालाल से कभी पैसे वसूल नहीं होंगे। जब उन्होंने ये सारा लंबा सा बहाना सुना तो वो समझ गए कि जो गेंदालाल है वो उसके पैसे लौटाना ही नहीं चाहता है। वो वहां से लौटा लेकिन कुछ दूर पर खड़ा हो गया और गेंदालाल का इंतजार करने लगा। क्या करने लगा? गेंदालाल का इंतजार करने लगा। वो दूर से खड़ा होकर देख रहा है कि गेंदालाल घर में वापस आया। बेटे ने पूरी घटना उसको सुना दी। तो गेंदालाल क्या बोला अपने पुत्र से, तुमने ठीक बात नहीं करी। ठीक बात नहीं करी मतलब, जब वो गेंदालाल वापस आया तो पुत्र ने कहा कि पिताजी साहूकार आए थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो मैंने तुमको बोल दिया कि पिताजी तो जामुन की गुठलियाँ लेने गए हैं, फिर पेड़ वेड़ उगाएंगे, फिर उसमें से जो पैसे आएंगे उनसे आपका कर्ज हम दे देंगे। तो गेंदालाल ने उसको क्या बोला कि ये तुमने गलत बात कही। अब आप सोचिए इसमें गलत बात क्या हुई। पुत्र ने क्या कहा था कि पेड़ उगने पर फल निकलेंगे, फलों को बेचकर जो पैसे आएंगे उससे आपका कर्जा हम चुका देंगे। ये बात गेंदालाल की नजर में गलत थी। क्यों गलत थी? क्योंकि वो तो पैसे कभी देना ही नहीं चाहता था और यहाँ पर गलती से पुत्र के मुंह से पैसे लौटाने की बात निकल गई थी, है ना। तो उन्होंने कहा कि आखिरकार पैसे लौटाने की बात तो तुमने कह ही दी ना, तुम्हें ये बात भी नहीं कहनी चाहिए, यानी कि मैं अभी तक उसको टाल रहा था, नहीं दूंगा कैसे करके, और तुमने आज बोल दिया कि हम ये उपाय कर रहे हैं और इसके थ्रू हम आपको पैसे दे देंगे। एक शब्द देखिए उस पैराग्राफ में लाल कलर से है, आखिर और उसमें भी कार कैसे हो सकता है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, लास्ट कार नहीं, आखिरकार का मतलब होता है अंत में, सब कुछ जब खत्म हो जाए अंत में जो होता है उसके लिए शब्द होता है आखिरकार, है ना।
आखिरकार पैसे लौटाने की बात तो तुमने कह दी, यानी कि तुम उसको इतने सारे तुमने बहाने बनाए, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। लेकिन तुमने लास्ट में ये बात क्यों बोली कि हम उन पैसों से आपका कर्ज चुकाएंगे, यानी कि अब उसने तो उम्मीद बांध ली है और न चाहते हुए भी मुझे वो सारा काम करना पड़ेगा जो तुमने उसके सामने बोल दिया है। ठीक है, अब इतने में साहूकार लाल पीला होता वहां पर, आधमका यानी बिना इन्फॉर्म किए वो आ गया और क्या बोला, मेरा उधार चुकता करो नहीं तो मैं पंचायत में जाऊंगा। बताओ साहूकार को गुस्सा क्यों आया? गुस्सा इसलिए आया, वो दूर खड़ा होकर बात सुन रहा था कि पुत्र ने सारी बात कही और आखिरी में गेंदालाल क्या बोलता है कि तुमने उधार चुकाने की बात क्यों कही, यानी कि वो समझ गया कि इसकी नीयत में बेईमानी आ गई है और ये कुछ भी करके मेरे पैसे देना ही नहीं चाहता है। तो उसको बहुत गुस्सा है, उसने जाके बोला कि आज तो नली आप मुझे या तो मेरे पैसे दो और या तो फिर मैं तुमको गांव की पंचायत में ले जाता हूँ। पंचायत ही नहीं, ये पंचायत क्या होता है, आपने कभी गए हो पंचायत में? नहीं, क्योंकि पंचायत आप लगती ही नहीं है। पंचायत जो पंचों की द्वारा लगाई जाती है, जहाँ पर पूरे गांव के लोगों की किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है। जब गांव में किन्हीं लोगों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता था या विवाद हो जाता था, उसका कोई भी हल नहीं निकल पाता था, दोनों पक्ष के लोग बात को मानने को तैयार नहीं होते थे, तो वो दोनों पक्ष के लोग क्या करते थे कि गांव की पंचायत में जाते थे, जहां पर गांव के लोगों के द्वारा चुने हुए कुछ लोग बैठा रहे जाते थे। वो चार पांच लोग जो पंच कहलाते हैं, वो लोग फिर उन दोनों पक्ष की बात सुनते थे और फिर जो सही बात होती थी, जो निर्णय सही होता था, जिसके पक्ष में होता था, वो फैसला सुनाते थे। क्योंकि अब तो हमारे यहाँ सरकार चलती है ना, नगर पालिका है, फिर आजकल हमारे यहाँ कोर्ट है। जब भी अब किसी के बीच में लड़ाई होती है तो उसका फैसला कहाँ जाता है, कोर्ट में जाता है। पहले बेटा गांव में कोर्ट नहीं होती थी, गांव के मसले, गांव की परेशानियां गांव में ही पंच लोग मिलके पंचायत में हल कर देते थे। ऐसा नहीं कि सालों साल केस चल ही रहा है, वकील को पैसे दिए जा रहे हैं, नहीं, पंचायत में बात जाएगी और वो जो पंच होते थे वो लोग आपस में मिलके, वो लोग गांव के लोगों की भी राय लेते थे, वो लोग जो निर्णय दे देते थे वो उन लोगों को मानना पड़ता था। क्योंकि पंचायत के बाद में अगर बात गई तो वो सीधे किसके पास जाती थी, राजा के पास जाती थी या तो कोतवाल के पास जाती थी। अब समय बदल गया है तो अब स्थितियां बदल गई हैं, सरकार नियम बदल चुके हैं। लेकिन एक फायदा ये था कि पहले अगर आप पंचायत में जाते थे तो आपकी बात का या आपकी जो भी परेशानी है उसका निवारण, उसका हल, उसका सॉल्यूशन तुरंत और बहुत जल्दी आपको मिल जाता था। अभी भी आपको सॉल्यूशन तो मिलेगा, आपकी बात का निर्णय तो होगा, लेकिन उसमें कितना वक्त लग जाएगा नहीं कह सकते, क्योंकि कोर्ट में तो हजारों लाखों केस पड़े होते हैं। क्योंकि जज एक ही है, उसको जो भी केस सामने आ रहा है, जो भी लड़ाई झगड़े की बात उसके सामने आई है, उसको ध्यान से सुनना पड़ती है। ऐसे उठा के तो वो निर्णय नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास तो पता नहीं कितने सारे गाँव के लोग आते हैं परेशानियाँ लेके, है ना। तो उन्होंने धमकी दे दी कि अब मैं या तो पंचायत में जाऊँगा। गेंदालाल ने क्या कहा, कौन इनकार कर रहा है, सेठ जी आप पंचों को इकट्ठा कर लो और पंच जो कहेंगे मैं कबूल कर लूंगा। क्या कर लूंगा, कबूल कर लूंगा। कबूल कैसे कर लोगे, कबूल है हो गया, नहीं, कबूल करने का मतलब होता है उसको मान लेना, है ना। अभी सुबह उठता से जो भी बोल दीजिए बिना कोई चाचू किए उसको कबूल कर लेते। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है उनसे हम बात नहीं कर सकते। मम्मी ने बोला कि उठो तो हमको उठना है, मम्मी ने कहा बेटा खाना लग गया, खाना खाने आ जाओ, तो आप ये नहीं बोल सकते कि अभी या बाद में। जब हम किसी बात को बहुत आसानी से मान लेते हैं तो उसको कहते हैं कबूल होना। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको पंचायत में जाना है, जाओ, मैं भी जाने को तैयार हूँ। वहां पर पंच लोग जो भी कह देंगे मैं वो मान लूंगा। अगर पंच कहेंगे तो हाथ के हाथ नकद गिन के दूंगा, नकद मतलब तुरंत पैसे दूंगा मैं, ये नहीं कि अभी एटीएम से निकाल के ला रहा हूं, कि अभी चेक भर के दे रहा हूं, नहीं, तुरंत गिनूंगा मैं कड़क नोट और आपको दे दूंगा, चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सेठ जी जो थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, कह रहे बाप रे ये तो बड़ी जल्दी तैयार हो गया। ठीक है, पंचायत बुलाई गई, पंच बैठे और वो जो पंच थे उन्होंने उन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश की। हाँ ना करते करते
आखिर पंचों ने 100 के 60 देने की बात तय कर दी। 100 के 60 कैसे होते हैं सुनिए, हाँ ना करते हुए, है ना। गिन्नालाल ने बोला कि सेठ जी मुझसे 100 रुपए मांग रहे हैं। साहूकार ने बोला कि मैंने इसे 100 रुपए उधार दिए तो 100 रुपए तो वापस लूंगा, उल्टा उसके पर का ब्याज भी इसने मुझे देना चाहिए, इसने मुझसे तब प्रॉमिस किया था। तो फिर गेंदालाल ने कहा कि अभी तो मैं गरीब हूँ, मेरी यहाँ फसल नहीं हुई है, मैं 100 नहीं दे सकता। फिर उन्होंने कहा कि चलो 90 दे दो, है ना, ये जो आपकी संख्या होती है ना 100, फिर ये 90, फिर ये होता है 80, फिर ये 70 रुपये, ये 60 रुपये, फिर ये होते 50 रुपये, ये उससे कम 40 रुपये, फिर उससे कम होते 30 रुपये, फिर उससे कम होते 20 रुपये, और उससे भी कम होते 10 रुपये, है ना, 10, 20, 30, 40, ऐसे हमारी संख्या चलती है। तो लेने कितने थे 100, उसको बोला कि चलो 90 दे दो, बोले कि नहीं मेरे घर में पैसे नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है थोड़े दिन बाद दे दो, तो बोले मेरे पास काम नहीं है, 80 भी नहीं दूंगा मैं। फिर उन्होंने कहा कि चलो 70 दे दो, तो वो क्या बोला, नहीं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, 70 भी नहीं दूंगा। तो फिर पंचो ने कहा कि चलो एक लास्ट 60 रुपये दे दो, ये 40 रुपये तुम्हारे कम हो रहे हैं, कम से कम 60 तो दे दो बेचारे साहूकार के, ब्याज भी नहीं दे रहे हो, समझाया भी। फिर उन्होंने कहा ठीक है 60। तो गेंदालाल क्या बोला, देखो पेज नंबर 15 पे आ जाइए बेटा। गेंदालाल बोला 60 रुपये तो बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ कम कर देंगे तो मैं इसी समय चुका दूंगा। यानी कि ये 100 के 60 भी उसको ज्यादा लग रहे। उसने क्या बोला कि 60 तो बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से, इसको थोड़ा कम कर दो तो मैं हो सकता है अभी के अभी नगद निकाल के दे दूं। फिर पंचों ने दो इधर से कम करे और दो इधर से कम करे, आखिरी में बात कहां पर आई, 30 रुपये पर। इसके भी 10 कम कर दी, इसके भी 10 कम कर दी, चल ठीक है 60 भी मत दो, 50 भी मत दो, तुम गरीब हो चलो 30 रुपये दे दो। ध्यान देना बेटा, 100 रुपये से वो 30 रुपये पर आ गया है, 30 रुपये पर आ गया है ना। अब इस तरह उसको सिर्फ 30 रुपये देने थे, यानी 100 रुपीज उसने उधार लिए थे, आनाकानी करते करते, बहाने बनाते बनाते, पंचों को भी उसने अपनी बुद्धि से कायल कर दिया और क्या बोला कि ठीक है 30 रुपीज, ओके 30 तो दे दो कम से कम। उन्होंने कहा मैं अभी ये रकम दिए देता हूँ, पंचों ने तो कितना बढ़िया इंसाफ किया है, ये 10 तो नकद दे रहा हूँ, है ना, ये 10 तो नकद दे रहा हूँ और 10 दिला दूंगा, 10 बाद में दे दूंगा, और बचे हुए 10 का तो लेना देना ही क्या। 30 रुपीज में से उसने क्या बोला कि 10 रुपीज तो अभी देता हूँ मैं, ये लो तुरंत हाथ में, और 10 रुपीज बाद में दिलवा दूंगा, मतलब अरेंज करके दे दूंगा, और सिर्फ 10 ही रुपीज तो बचेंगे, उसका क्या लेना देना। मतलब 10 रुपये तो बहुत छोटी रकम होती, इतने बड़े सेठ जी को मैं 10 रुपये दूंगा अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको तो आप ऐसे भी माफ कर सकते हो। कम से कम 100 रुपये जितना बड़ा खाता क्लोज हुआ है तो 10 रुपीज की रियायत तो आप दे ही सकते हैं, मतलब छूट देना, सीधी सी बात होती है, अगर आपको इतनी बड़ी रकम में से इतनी मिल रही है तो इतनी थोड़ी सी तो आप छोड़ सकते हो। आप तो करोड़पति सेठ ही हो, 10-1 रुपये के लिए क्या मेरे से बहस करोगे, 10 रुपये छोड़ दो। साहूकार तो कुछ समझ ही नहीं पाया, आपको समझ में आया, नहीं साहूकार को भी नहीं आया। उसने पूछा रियायत, कैसी रियायत, अरे 100 रुपये के 30 पर आया और उसमें भी 10 रुपये की भी रियायत दूं, किस तरह की रियायत दूं, पहले तो मूल जो लिया था वो भी नहीं दे रहा है, जो थोड़ा बहुत दे रहा है उसमें से भी बोल रहा है कि इतना छोड़ दो। तो पता है उसने गेंदालाल ने क्या कहा, ध्यान से सुनना, गेंदालाल बोल पड़ा सेठ जी पहले ध्यान से सुन लीजिए, आप सब लोग भी ध्यान से सुनिए, अगर आपके मुंह में मिठास है और दिमाग में चतुराई है तो आप भी अपना हिसाब बराबर कर सकते हैं। कैसे, इस हिसाब को अपने बही खाते में लिख लीजिए, क्योंकि इस तरह का हिसाब रोज रोज नहीं होता है, लिखिए। सेठ जी को उसने बोला आप लिखिए मैं बोलता हूं, 100 के 60 आधे गए नाट, 60 देने थे उसमें से आधे नाट, नाट मतलब घट गए, 10 दूंगा, ये 10 दूंगा, 10 दिला दूंगा बाद में दूंगा, और इस 10 रुपये का तो क्या लेना और क्या देना, बहुत छोटी सी रकम है, आप क्या तो 10 रुपये के ऐसे ही कोई चॉकलेट वॉकलेट खा जाते होंगे बच्चे, तो इतने से 10 रुपये के लिए और वापस मुझसे क्या बहस करोगे। गेंदालाल की चतुराई देखकर साहूकार भी हंस पड़ा,
आप समझे कितनी चतुराई से गिन्नालाल ने 100 रुपए लिए और उसकी जगह दिए सिर्फ कितना 10 रुपीज। ओनली 10 रुपीज उसने लौटाए और सारी बातें उसने कितनी चतुराई से कितने प्यार से बोली कि 100 के 60 आधे गए नाट, कम हो गए आधे अपने आप, 10 देता हूँ 10 दिला दूंगा और इस 10 रुपए का तो क्या लेना देना। यानी कि सिर्फ 10 रुपए देने के लिए उसने बेचारे सेठ जी को कितने दिन तक लटकाया, कितने बहाने बनाए, कितना दौड़ाया, इतनी बड़ी पंचायत बिठाई, पंचों के सामने उसने अपना दुख ऐसे गाया कि 100 के सिर्फ 10 दिए उसने। ये थी उसके दिमाग की बुद्धि और बुद्धि से निकली हुई चतुराई। अब तो गेंदालाल का बेटा क्या बोला, पिताजी देखिए सेठ जी हंस रहे, लगता है वे आपकी बातों से प्रसन्न हो गए हैं। गेंदालाल ने क्या कहा, उस पे भी एहसान जता रहा है, हाँ हंसना तो चाहिए, इन्हें आप नगद पैसे मिल गए हैं, लो भाई 100 का सिर्फ 10 रुपया मिला और उसपे भी एहसान कि सेठ जी खुश क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैं उनको नगद 10 रुपए दे रहा हूं। आप समझ रहे, आपसे मैंने 10 चॉकलेट उधार ली, देती हूँ करके चल 6 चॉकलेट में कंफर्म कर लो, अब 6 नहीं है मेरे पास, 3 ही रख लो, 3 में भी अगर मैं कह दूं कि लो 1 चॉकलेट आप अभी ले लो और 1 मैं बाद में दे दूंगी, और 1 चॉकलेट के लिए क्या अपनी दोस्ती तोड़े अपन, तो आप क्या कहोगे, ठीक है चल दे दे। और फिर अगर मैं कहूँ कि आज मैं देख उसको हाथ में 1 चॉकलेट दे रही हूँ इसलिए खुश हो रहे हैं, तो अपने आप में अजीब बात है, लेकिन ये बात सही थी। तो इस तरह हमारे गेंदालाल ने 100 के 60 और 60 का सिर्फ 10 कर दिया था। तो कोई भी परेशानी आने पर परेशान होने या घबराने के बजाय बुद्धि से उसका हल ढूंढना चाहिए, ठीक है। फिर आप लोगों के लिए मैं कुछ थोड़े से कठिन शब्द लिख रही हूँ बेटा, जिन्हें आप लोग अपनी रफ कॉपी में बड़े सुंदर अक्षरों में 3 बार लिखेंगे। पंचायत न करें, साहूकार, गेंदालाल, हाँ कहने में सरल है ये शब्द, किंतु लिखते समय अक्सर बच्चे बिंदु का प्रयोग करना भूल जाते हैं। फिर एक शब्द आया था गुठलियां, एक होती है तो गुठली और यदि वो अधिक संख्या में हो तो गुठलियां। अगला शब्द है हमारा बेचेंगे, मैम इसमें कठिन क्या है, है आप होते पूछे और इतने पूछे, तीनों अक्षरों में समान मात्रा लगा रहे हैं, लेकिन अब का प्रयोग हमें कहाँ करना है ये हम तभी सीख पाते हैं जब हम उसको बार बार दोहराते हैं और उसको लिख कर देखते हैं। समझौता, समझौता यानी कि दो लोगों के बीच में किसी लड़ाई के बाद एक बात पर एकमत होना, वो कहलाता है समझौता। फिर एक शब्द है बही खाता, लास्ट में बोला था गेंदालाल ने कि आप ये वाला हिसाब अपने बही खाते में लिख लीजिए, क्योंकि इस तरह का बही खाता या हिसाब दोबारा भविष्य में कभी नहीं हो पाता है। आखिरी शब्द हम लिख रहे हैं यहाँ पर धमका, है सरल लेकिन कठिन है क्योंकि वो हमारे लिए नया है, ठीक है। मैं एक बार पुनः इन शब्दों का उच्चारण कर रही हूँ, तकाजा शब्दार्थ में भी आ चुका है लेकिन चूंकि यहाँ पर ज के नीचे आप देख सकते हैं बिंदी यानी नुक्ता लगा हुआ है, ये शब्द उर्दू का है बेटा, तो आप शब्दों को जितनी ज्यादा बार बोलेंगे उतना वो आपके मुंह से सही निकलेंगे। दूसरा है पंचायत, पंचायत, साहूकार, गेंदा लाल, गुठलियां, बेचे
ये अम का उच्चारण सिर्फ सुनाई देता है, लेकिन उस बिंदु को हमें कहाँ लगाना है ये हमें पता होना चाहिए। बेचे यानी उसके बीच में अम का उच्चारण हो ही नहीं रहा है। चेंगे यानी उस बिंदु का उच्चारण चे के बाद में और गे के पहले होगा। अगला शब्द है समझौता, डबल आओ है तो आपका उच्चारण भी उसी तरह होना चाहिए। अगर यहाँ सिंगल मात्रा होती यानी कि सिर्फ ओखली होती तो समझौता होता, लेकिन यहाँ पर चूंकि औरत की डबल आओ की मात्रा है तो समझौता होगा। फिर बही खाता, एक ऐसी पुस्तक जिसमें आप दिए हुए और लिए हुए पैसे का हिसाब लिखते हैं उसे हम कहते हैं बही खाता। और लास्ट है धमका। ओके, तो सभी बच्चे इन कठिन शब्दों को अपनी रफ कॉपी में तीन तीन बार लिखेंगे और बोलकर देखेंगे। अगले वाले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे जहां पर आप अपनी पुस्तक लेकर मेरे साथ बैठेंगे और हम इस पार्ट की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आज के लिए हमारा ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।